तो अब आपने क्या एक्सेप्ट करना है, यू हैव नथिंग टू लूज ना, यू हैव नथिंग टू लूज एट ऑल. अब आपने डिलीवर करना है, अब आप जो है जो बची कुची आपकी जो है टीम आपकी बहुत बड़ी है अभी भी मैं कहूंगा, लेकिन आप हारे हो, बहुत एम्बेरेसिंग डिफीट है, बहुत एम्बेरेसिंग डिफीट है ये. तो इसको अब आपने इंडिया के साथ किस तरह कमबैक करना है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है. आई होप सो के बहुत डिफरेंट हो ये, प्रेशर भी ले लेंगे. अली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया पाकिस्तान? मेरे ख्याल में तो जो जिस तरह इन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है मुश्किल ही है ये. मोरल टेंपल हो गया ना इस डिफीट. कुछ इनका ये भी मसला है ना कि ये क्या कहते हैं उसे, कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज जवाब दे जाती है. अब ये प्रेशर ज्यादा लेंगे, मतलब जब आप यूएसए जैसी टीम के खिलाफ भी प्रेशर ले रहे हैं तो फिर इंडिया तो भाई. उमर आपके लिए पुष्पेंद्र कुमार का कमेंट है कि प्लीज आप ना रोएं, लव फ्रॉम इंडिया. थैंक यू जी, आपके लिए भी लव है. देखे ना मैं यही कहता हूँ कि काफी फैंस है जो हमें प्यार देते हैं, और अक्रॉस द बॉर्डर जो है फैंस, उन्हीं की वजह से हम लोग जो है पाकिस्तान फैंस भी और अक्रॉस द बॉर्डर भी और ग्लोबली स्पेशली इतनी तनकीद में इस वक्त एक भी अच्छा पॉजिटिव कमेंट जो है वो बहुत मैटर करता, बहुत मैटर करता है, बहुत मीनिंगफुल है. सो आई वुड नेवर फॉरगेट द नेम एंड द कमेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. सो कमिंग बैक टू द इंडिया पाकिस्तान मैच, सो अगर पिचेस को हम देखते हैं तो वो ये पिच बहुत आसान थी, बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि कनाडा 194 एंड रिजवान और बाबर को चेंज किया गया, तो मोहम्मद हफीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था. ठीक है, वो एक ब्रेव फैसला कह सकते हो, अनऑर्थोडॉक्स फैसला था, लेकिन हफीज की जो क्रिकेटिंग सेंस है बहुत ऊपर की क्रिकेटिंग सेंस है, और कोई शक नहीं है, सोच समझ के उन्होंने बात की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ऑस्टर हो गया, उनको जाना पड़ गया. तो मोहम्मद हफीज की जो क्रिकेटिंग सेंस है ना बहुत ज्यादा है, और उनको होना चाहिए था टीम के साथ अभी, क्योंकि पता नहीं. अब वहाब रियाज ने ये फैसला किया था ना कि वर्ल्ड कप तक और वर्ल्ड कप में भी वो साइम, और मतलब साइम को एज ओपनर ही रखना, तो फिर क्या वजह बनती दिखाई दे रही है आपको, मतलब ये अपने फैसले खुद ही बदल रहे हैं, कोई प्रॉपर इनकी मसला ही. आपका पाकिस्तान की जो रोटेशन पॉलिसी है ना वो आपको दिखा रही है. उमर आपको नहीं लगता आज हमने इब्रार को ना यूज करके भी गलती की है? ऑब्वियसली जब आप देखे ना, ये जब आप यूएसए के खिलाफ इतना इनसिक्योरिटी का शिकार हैं कि आप अपने नए प्लेयर्स को मौका नहीं दे रहे. इन्होंने बहुत लाइट लिया, मैं सच्ची बात बताऊं आपको, इन्होंने यूएसए को बड़ा लाइट लिया, बस गलती कर ली. तो ग्राउंड में जाके पता चला, बाबर क्या कह रहे हैं टॉस के वक्त उन्होंने कहा जी हम टॉस जीतते तो हम भी पहले जो है वो बॉलिंग में जाते. फरहाद खान कह रहे हैं कि कीप पॉजिटिव होप, उनका प्लान नेवर बी होपलेस, पाकिस्तान ऑलवेज गिव टफ टाइम. कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उनका कमेंट स्किप हो गया, आई एम सॉरी पार्डन मी, बट उनका ये कहना है कि आप प्लीज होपफुल रहें, परेशान मत हो, पाकिस्तान ने भी टफ टाइम दिया है दूसरी टीम्स को बहुत ज्यादा, और आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं अली? पाकिस्तान ने कीनिया को दिया था एक बार जी, मुझे याद है, फिर कनाडा को 180 में पाकिस्तान की टीम 180 समथिंग बनाया था. तो बड़ी 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 टीम का नाम ले क्या मतलब कीनिया और कनाडा, ये तो देखते हैं ना कि एशिया कप में 2014 में इंडिया को हराया था शाहिद खान अफरीदी ने, जो अश्विन को छक्के मारे थे, फिर पाकिस्तान ने जो है शुरू तो हो, पाकिस्तान के काफी मैचेस है तो पाकिस्तान है ना. जितने लोग इस टाइम नेगेटिविटी फैला रहे हैं इनको मैं याद करवाती चलूं कि पाकिस्तान ने इंडियन टीम को भी ऑल आउट किया था भाई, 10 विकेट्स ली थी 2021 में. पाकिस्तान की टीम नहीं, वैसे तो बाबर और रिजवान ने मैच तो आ दिया था. अब सदमे में इस वक्त क्यों है, उसकी मेन रीजन बताता हूं कि पाकिस्तान एक T20 क्रिकेट की बहुत, वैसे भी पाकिस्तान ओवरऑल बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, जो बात है जो भी लूप होल्स है वो है. और जो उमर प्रशांत कुमार आपकी बात को ऐड करते हुए कह रहे हैं कि आजम खान के बारे में भी प्लीज बात कीजिए. आजम खान के बारे में अभी यूएस में हम अगर बात करें तो आई थिंक सो ही खुद वो जवाब ढूंढेंगे कि क्या कर रहे हैं उन्होंने, लेकिन कैरिबियन में शायद कुछ कर ले. मसला ये था ना कि इनको इस एजेंडे में शायद शामिल किया गया कि इनके पास ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक्सपीरियंस है क्रिकेट खेलने. अरे मैं देख रही हूँ लोग हंस रहे हैं भाई,
किया नहीं था ऑल आउट और क्या, हंस रहे हैं भी सारे मेरे पे यार। पाकिस्तान ने इंडिया, बाबर और रिजवान ने नहीं 10 विकेट जब पाकिस्तान ने हराया इंडिया को वर्ल्ड कप, वो देखे ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ 2021 इतना टफ टाइम लिया था। अब तो मैं सीरियस कह रहा हूँ, अब मैं मजाक नहीं कर रहा, नहीं होने दे रहे, मतलब बंदा दो मिनट के लिए हंसे भी ना। अब मैं सीरियस कह रहा हूँ, पाकिस्तान टीम खेल नहीं सकी है, अब हम लोग भी परेशान हो जाए, मतलब खुश ना हो हम लोग, अच्छा मौका ना याद करें। अच्छा अली आप बताएं मुझे क्या एक्सपेक्ट करें आगे, पाकिस्तान जो है उसको सुपर एट में देख रहे हैं? यार एडी माड़ी टीम है नहीं वैसे, ठीक है रखता है ना, खराब ने, लेकिन आयरलैंड और कनाडा, अफसोस इसलिए होता है, लेकिन इंडिया के मैच मैं फिर कहूंगा इंडिया से मैच जीतना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है तो पाकिस्तान को नेट रन रेट तो बेहतर रखना पड़ेगा, अगर दोनों रन रेट कभी तारीख में पाकिस्तान का दुरुस्त नहीं, ये पाकिस्तान के साथ रोले रहे हैं, कभी तारीख में पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है ना वो नहीं दुरुस्त रहा। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, मैं लिटरली मेरे पास अल्फाज नहीं है आज कहने के लिए। अभी मैं देखती थी कॉमेंट्स में सब, मतलब कुछ लोग जो है वो तो हंस रहे हैं और वाकई हंसी का मुकाम है एक तरह से, एक शर्मिंदगी का लेवल है, और कुछ लोग जो है वो दिलासा भी दे रहे हैं, मगर मैं उन तमाम लोग जो हम पे हंस रहे हैं मैं इस वक्त उनके साथ हूँ, बिकॉज हमें हमेशा जो है वो सबक मिलता है उन लोगों से जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कितने गलत हैं, क्योंकि बेजा सपोर्ट, बेजा हमदर्दी हर वक्त ही जो है वो आपको बिगाड़ देती है, आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर देती है। और अभी हमें जरूरत है कि हम लोग इस हार को समझें, इससे सीखें, बल्कि अब आई थिंक सो कि वी आर टू लेट, इवन टिल नाउ वी आर टू लेट। अगर हम एशिया कप से अभी तक कुछ सीख नहीं पाए हैं, हम जिम्बाब्वे से हार कर नहीं सीख पाए हैं, तो हम क्या ही सीखेंगे? और जिम्बाब्वे देखे क्वालिफाई नहीं कर पाए, सी मतलब सी द लेवल कि यहाँ पर नई टीम्स भी हैं, आप देखें यहाँ पे तो नई टीम, गुडनेस, दैट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, यूएसए क्रिकेट को फिर से बहुत बहुत उम्र वैसे होने लाइटर नॉट, शुक्र है पीएनजी पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं है, वरना अगला मैच पीएनजी बहुत तगड़ी टीम है यार, कितने दिलेराना तरीके से बॉलिंग करती है। आप देखे जैसे जॉन कैरी को उनके सोल लेफ्ट आर्म बॉलर है, पीएनजी अंडर 19 में खेले हुए कैरिबियन में, तो शांत कुमार कह रहे हैं क्या लगता है 9 जून को जीत क्यों पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, क्यों मतलब दुखी रख पे हाथ रख रहे हैं, नहीं बताना मैंने पाकिस्तान जीतेगा नहीं, सकता है कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता, क्रिकेट इस टीम का कुछ भी नहीं हो सकता, क्रिकेट है, क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी का नाम है, कौन सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे ये हुआ ना, ये अनप्रेडिक्टेबल था, ये अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल ही था, मैंने कल बोला था टफ टाइम देगा, टफ टाइम दिया था, लेकिन सकती थी कभी देखे ना, तो अनप्रेडिक्टेबल हुआ है, हमारी प्रेडिक्टी सिंगल साइडेड की, खैर यूएसए दिल खुश कर दिया एक साइड पे कि आपने जिस तरह एफर्ट्स किए, आपने जिस तरह से जो है एक पॉपुलर नैरेटिव को जो है गलत साबित किया है, और मैं विश करता हूँ कि इससे आपको फायदा हो, क्योंकि जब पाकिस्तान ने हारा था बांग्लादेश से 1999 में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, तो बांग्लादेश की जेरी टीम है वो बन के आई थी, टेस्ट स्टेटस मिल गया था, मुझे अफसोस हो रहा है, लिटरली मुझे अफसोस हो रहा है, हम लोग यहाँ बैठ कर, उमर सुनिए, हम यहाँ बैठ कर इतनी एनर्जी पुट करते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, हम व्यूअर्स को एंगेज करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनके कमेंट्स लेते हैं, मैचेस छोड़कर हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतरीन गुफ्तगू करें, राइट, हम लोग पाकिस्तान टीम के लिए यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज हम यहाँ क्यों बैठेंगे? पाकिस्तान टीम को अपनी कौम नजर नहीं आती है, वो वहां पर दूध पत्ती ढूंढ रहे हैं, वो वहां पर $25 पर टिकट के पीछे वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, के पीछे पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो ये अपनी जरा चेयर घुमाकर दिखाइए, हाँ ये कर दे यार, मेरे ये देखें तो आप क्या अफसोस का मुकाम है, मतलब आप देखें कि उमर फिर दिखाइए, क्योंकि देख लीजिए कैमरे का एंगल कौन सा है मैं नहीं समझ सकती, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे भी देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट वी अप्रिशिएट, बिकॉज पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नाम है, और आप अपना नाम, अपना मुल्क, आप खुद ही उसको खत्म करते जा रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसी चीज है भाई, आपने आगे चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है अपने मुल्क में, आप किस मुंह से करवाएंगे उसको होस्ट, जब आप कोई मैच ही नहीं जीते होंगे तो क्या क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवाएंगे, आपको तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। अच्छा ये मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप की तारीख में जितने भी एब्सेंट हुए ना, फादर ऑफ द एब्सेंट, फादर ऑफ द ऑल एब्सेंट, फादर ऑफ द ऑल एब्सेंट, ऐसे ही है, उमर हिम्मत हार चुके हैं, मैं थक चुकी हूँ, लिटरली बहुत बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत सपोर्ट होती है पाकिस्तान टीम के साथ, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपनी टीम से प्यार करते हैं, लेकिन बस हो गई आज। खैर अली आपका बहुत शुक्रिया, उमर आपका बहुत शुक्रिया,
हमजा मुझे लगता है चले गए अपना वीजा लगवाने, वो तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। देखिए वो हंस रहे थे, वो मजाक कर रहे थे, वो सब एक तरफ है, लेकिन दिल उनका भी उदास था, दिल उनका भी परेशान था, वो उठ के चले गए हैं। एंड दैट्स ऑल के इससे आपको आप समझ सकते हैं कि एक इंसान एक पाकिस्तानी किस हद तक हार जाए। लेकिन अभी भी हम अपनी टीम के साथ है, आई लव टीम पाकिस्तान और होपफुली दे विल डू वेल। और मैं सोचूंगा जरा घर जाके, वेरी सैड उमर, प्लीज डोंट क्राई, वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, ठीक है। इट्स नॉट ओनली इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल, ठीक है। हमारे पास और बहुत सारी चीजें करने को, अब हम लोग इस चीज को लेकर तो परेशान नहीं हो सकते हैं। ये मोहसिन नकवी साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि तनकीद नहीं करनी है। सी हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हमारे पास उमर बहुत बड़ी एग्जांपल है, आंखों में शदीद आंसू हैं लेकिन जुबान पर फिर भी ये है कि आई लव टीम पाकिस्तान। इससे ज्यादा हम साथ नहीं दे सकते हैं।